अच्छा वरुण, ये जो हम लोग इंटरव्यू सीरीज कर रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान भी की थी मैंने और अब भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, इसमें एक बहुत रिक्वेस्ट करता हूं अपने हर गेस्ट से, अपने हर आर्टिस्ट से, कि कुछ उनकी पसंद की चीजें जो हों जिसको वो मेडले की तरह से बजाएं, जिसमें वो 3 4 5 गाने छोटे छोटे ही सही लेकिन बजाएं। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा। वरुण, आप जब म्यूजिक सीख रहे थे या बांसुरी सीख रहे हैं, तो आपके जो आदर्श कह लें, रोल मॉडल कह लें, या किससे आप बांसुरी सुन सुन के आपको लगता है कि आपको इस तरह से बजाना है या ऐसा बजाने की कोशिश करनी है? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हम सब जानते हैं, रोनू दा को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आपके कौन से ऐसे आइडल हैं, आपके प्रेरणा स्रोत कौन से कलाकार हैं? देर आर मेनी म्यूजिशियंस एंड फ्लूट प्लेयर्स हु इंस्पायर्ड मी इन माई चाइल्डहुड एंड even now. One of them is PMK Naveen Kumar. Naveen Kumar is the top class flute player in our film industry, I can say. He was behind many legendary songs we are listening now, like Zara Zara, and most of the A.R. Rahman songs we are listening, in Rangila or many other songs. And he is the topmost role model of mine, Naveen Kumar sir, and of course Pandit Hari Prasad Chaurasia, Pandit Ronu Majumdar, Paresh Nath, so many flute players inspires me, and these about the role models. अच्छा वरुण, आप आगे का ड्रीम क्या है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल यंग हैं, क्या सोचा है आपने, करियर म्यूजिक में बनाना है या फिर आपने, आप स्टडीज में भी अच्छे खासे पढ़ाई कर रहे हैं, आप किस तरफ जाने का इरादा है? क्योंकि इस सवाल के जवाब से पता चलेगा कि म्यूजिक हॉबी के तौर पर ही है या वो प्रोफेशनल करियर की तरह भी आप उसको देख रहे हैं। या माय ड्रीम इज टू लिव विद म्यूजिक, लिविंग विद म्यूजिक इज माय ड्रीम, एंड इट्स नॉट अ हॉबी फॉर मी, इट्स अ प्रोफेशन। आई एम ए फ्लूट प्लेयर एंड ए फ्लूट मेकर टू, एंड आई एम लिविंग विद दिस इंस्ट्रूमेंट बांसुरी।
वरुण, आपने सलिल चौधरी के जिस वीडियो का मैंने शुरू में जिक्र किया, उस वीडियो में इतना खूबसूरती से बजाया है, और जिस दशक में आप ले गए अपने सुनने वालों को, अपने श्रोताओं को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ उस समय के गाने, सलिल दा का या मदन मोहन का कुछ, या नौशाद साहब का कुछ, जो आपको पसंद हो। रिक्वेस्ट है, अगर आप बजा पाए या बजाना हो आपने पहले कभी, आप हीरो फिल्म में जो बांसुरी बजी थी, क्योंकि वो बांसुरी कह लें कि जो उसकी बांसुरी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर फिल्मों में जिस तरह से इस्तेमाल की गई है, हालांकि हरि प्रसाद जी ने बहुत बजाया है, लेकिन वो भी एक पीस जो था हीरो फिल्म का, वो बहुत पॉपुलर हुआ था, वो अगर आप हमारे लिए बजाएं तो। या श्योर, आई विल ट्राई टू प्ले द लेजेंडरी थीम म्यूजिक ऑफ हीरो फिल्म। चलिए वरुण, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत 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 धन्यवाद, और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जिस तरह से आपने संगीत और अपनी पढ़ाई का बैलेंस बनाया हुआ है, वो बैलेंस बना रहे, आपकी संगीत साधना चलती रहे, आप यूं ही सुरीले मधुर बांसुरी से गाने बजाते रहें, कुछ अपनी नई कॉम्पोजिशन तैयार करें, ऐसी हमारी और रागगिरी की आपको शुभकामनाएं हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे, आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।